करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है आज? IPV6। बेसिकली मैं IPV4 डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, मैं सिर्फ उसके कंपैरिजन करता चलूंगा। जैसे IPV6 को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, IPV6। IPV4 को किसने प्रोवाइड कराया था डियर? आईना ने। IPV6 प्रोवाइडेड बाय IETF। क्लियर? ये लीजिए, इंजीनियर टास्क फोर्स। इन्होंने क्या करा था? इंटरनेट इंजीनियर टास्क फोर्स IPV6 को क्या करा था? डेवलप्ड। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, IPV6 एक ऐसा एड्रेस है जो आपको किसमें मिलता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। यानी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के साथ साथ न्यूमेरिकल नंबर्स भी होंगे प्लस अल्फाबेट भी होंगे। क्या क्या होंगे? न्यूमेरिकल प्लस अल्फाबेट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, IPV6 पे बात करते हैं। IPV4 का साइज कितना था? 32 bits। IPV6 एड्रेस साइज इज 128 bits। इट्स लार्जर देन IPV4। ये सुनो, नेक्स्ट पॉइंट, IPV6, IPV4 में एग्जांपल दिखाया था मैंने चार ऑक्टेट वाला। IPV6 का एग्जांपल देखो कैसा होता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। क्लियर? कितनी फील्ड्स हैं? 8 बॉक्स हैं। इन 8 बॉक्सेस को IPV4 में क्या बोलते थे आप? 4 बॉक्स को ऑक्टेट। IPV6 में बोलते हैं 8 फील्ड। क्या बोलते हैं? 8 फील्ड्स। क्लियर? IPV6 एक फील्ड का जो साइज होता है वो होता है आपका 16 बिट का, 16 बिट का साइज होता है। क्लियर है? 16 बिट का साइज होने का मतलब 4 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज? 4 वैल्यूज। चलो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा 2001 फर्स्ट में, हर वैल्यू का कितना साइज है? 4 बिट का। अब एक फॉर्मूला लगा लो मैथ का, 2 पावर 4, कितनी वैल्यू आई? 16। हेक्साडेसिमल में वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके 15 तक। बताया था? चलो देख लेते कैसे चलती है हेक्साडेसिमल। 1 2 3 4 5 6 8 9। अब जैसे 10 आया, ए बी सी डी एफ, तो भाई एक वैल्यू कहां तक जा सकती है? 0 से F तक। कंडीशन क्लियर हो गई? चल, ये कौन से टेबल बनाने सिखा दिया? एंड टू एंड हेक्साडेसिमल, और बराबर में डेसिमल भी लिख लो यार, कोई इशू नहीं। डेसिमल कैसे स्टार्ट करता था मैं, याद है कुछ? 0 का 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलते चले आएगा, यस और नो? IPV6 क्लियर हो गया। 16 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आएगा? 128 bits। क्लियर? IPV6 में सबनेट मास्क नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सबनेट मास्क नहीं होता है, जैसे IPV4 में होता है। यहां पे क्या मिलती है आपको? प्रीफिक्स वैल्यूज। क्या मिलती है? प्रीफिक्स वैल्यूज, जस्ट लाइक अ स्लैश वैल्यूज। क्या बोलते हैं इसे? स्लैश वैल्यूज। IPV6 ये इंपॉर्टेंट है। IPV6 में क्लासेस नहीं होती, टाइप्स होते हैं, डिवाइडेड इनटू अ टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स की IPV6 होती है। इजी रहेगा याद करने के लिए, देखते चलते हैं। पहला होता है ग्लोबल एड्रेस, ग्लोबल IPV6 एड्रेस, जस्ट लाइक अ पब्लिक IP एड्रेस। IPV4 का पब्लिक IPV4 ही होता है, उसी को मैंने इसको IPV6 में क्या बोल दिया? ग्लोबल। क्लियर है? चलो दूसरा एड्रेस, साइट लोकल एड्रेस। कौन सा है? साइट लोकल IPV6 एड्रेस। ये कौन से? प्राइवेट IPV4 एड्रेस की तरह एज इट इज। क्लियर है? दूसरा खत्म हुआ। थर्ड में आता है लिंक्ड लोकल IPV6 एड्रेस, इसे बोलते हैं लूप बैक। क्या बोलते हैं? लूप बैक। क्लियर हुआ? चल, IPV6 एड्रेस रेंज क्या बात कर रहे हैं भाई? देखो ग्लोबल में जाओगे, ग्लोबल IPV6, इसकी जो रेंज होती है 2000 से लेके 3000 तक होती है।
यानी ये परचेज करनी पड़ेगी आपको। दूसरा क्या होता है, साइट लोकल, क्या होता है साइट लोकल IPv6, इजी है, FC और FT, जिसमें स्टार्टिंग में क्या आ जाए FC और FD, वो कौन से है साइट लोकल। थर्ड देखो, लिंक लोकल IPv6 भाई, स्टार्टिंग दोबारा FE8, क्लियर हुआ। अब देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस बता देता हूं। IPv4 याद है, IPv4 में क्या करते थे आप, ब्रॉडकास्ट, क्या करते थे फिर यूनिकास्ट, फिर क्या हो सकता है मल्टीकास्ट। IPv6 ऐसा नहीं है, IPv6 अलग ही प्रोसेस में चलता है। IPv6 क्या बोलता है, जब आप ब्रॉडकास्ट करते थे मैं करता हूं एनीकास्ट, क्या करता हूं एनीकास्ट, जब आप यूनिकास्ट करते थे एज इट इज यूनिकास्ट, कोई इशू नहीं है, जब आप मल्टीकास्ट करते थे एज इट इज मल्टीकास्ट। अब प्रॉब्लम ये आई कि IPv4 में ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता था, IP to MAC, ये सुनो आर भेजते थे भाई, IPv6 यूज करता है ND प्रोसेस, ये प्रोसेस लिमिटेड पता चलता है लोगों को, इसे बोलते हैं नेबर डिस्कवरी प्रोसेस, क्या बोलते हैं नेबर डिस्कवरी प्रोसेस, यानी किसी लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो इससे आप मुझे पता चल जाओगे, क्लियर है। दूसरी बात, IPv6 सपोर्ट अ राउटिंग प्रोटोकॉल, क्या सपोर्ट करता है IPv6 अ सपोर्ट अ नेट ट्रांसलेशन, क्या सपोर्ट कर सकता है IPv6 सपोर्ट DHCP ऑल्सो, क्लियर हुआ। तीन पॉइंट याद रखना है, क्लियर है। चलो अब क्या बता रहा हूं, हाउ मेनी अ वे टू असाइन IPv6 एड्रेस, भाई कितने वे हैं, फर्स्ट देन सेकंड, स्टैटिक मींस अ मैनुअल, भाई मैनुअल IP दे दोगे, अ डायनामिक, इन दिस प्रोसेस आई विल यूज अ टू प्रोसेस, स्टेटलेस और स्टेटफुल, क्या बोलते हैं, आई थिंक स्टेटलेस में यूज होता है EUI 64, ये जियो यूज कर रहा है EUI 64, वो आपका मैक उठाता है और कुछ अपनी फील्ड आपको दे देता है और 128 बिट का IPv6 एड्रेस तैयार। स्टेटफुल में क्या हो सकता है, आई थिंक DHCP version 6, क्लियर है, इतना प्रोसेस क्लियर है। अब IPv4 में राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़े थे, RIP, EIGRP, OSPF, ये कौन से थे डायनामिक, IPv6 राउटिंग प्रोटोकॉल्स, स्टैटिक IPv6 करना सीखेंगे, डिफॉल्ट IPv6 सीखेंगे और डायनामिक पूरा IPv6 होगा, कैसे, जब RIP होगा तो उसके आगे लगा देना NG, NG called a next generation, क्या बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन। EIGRP क्या यूज करने वाले हो, फिर क्या लगा दिया, OSPF इसके आगे नहीं लगता, क्या नहीं लगता NG, इसके पास version 2 भी है और version 3 भी, तो दोनों में चल सकता है, क्लियर है। तो बेसिकली पहले क्या सीखना पड़ेगा, How to identify IPv6 address? क्या सीखना है? भाई देखो, easy लग रहा है ना? Global की range याद कर लो, 2 मिनट लगा के। Site local और global। Clear है? चलो address बनाना start करते हैं। अब मुझे भी याद नहीं है वैसे तो। फिर भी try करते हैं। ये कौन सी क्लास का है, क्लास पूछ रहा हूँ मैं, क्लास होती है IPv6 में, नहीं होती फिर क्यों बोल रहे हो,
क्लास है, टाइप्स है, क्या है? ग्लोबल टाइप्स। कौन सा एड्रेस है ये? ग्लोबल IPv6 एड्रेस। कैसे आइडेंटिफाई करा परवेज जी? आइडेंटिफाई करने के लिए दोबारा वही, ऑलवेज वेरीफाई अ फर्स्ट फील्ड, हाउ मेनी कैरेक्टर्स? अ फोर कैरेक्टर्स वैल्यू, फोर वैल्यूज लिख सकते हो। कितनी वैल्यूज चेक करनी है? फोर वैल्यूज। तो क्या लिखी थी? 2001। अब दूसरा बनाते हैं, मजा नहीं आ रहा। रिस्क नहीं लेंगे, आप कॉपी करेंगे IP config /call। कौन सा एड्रेस है ये? कौन सा है रनेश जी? ग्लोबल लिंक लोकल। कौन सा है? लिंक लोकल। IPv6 अभी तो बता रहा था। चल दूसरा एड्रेस देखो, तीन एड्रेस में खत्म है कहानी। कौन सा एड्रेस है ये? हाँ जी, साइट लोकल। क्लियर है? अब दूसरा एड्रेस देखो, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ये कौन सा है? ग्लोबल। मानोगे नहीं रने जी, कौन सा है ये? ग्लोबल। 2000 से 3000 तक। क्लियर है? IPv6 आ गया यार, छोड़ दो, नहीं आ रहा। तो ये देखो, ये कौन सा एड्रेस है? लिंक लोकल। लिखा भी है भाई, नकल भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये भी क्या है? लिंक लोकल। सारे लिंक लोकल है क्या? अरे ना भाई, इसमें है IPv6 का योर। कौन सा रनेश जी है? ग्लोबल है। चलो ठीक है, अब इतना बड़ा IPv6 एड्रेस याद ही कैसे करना है? IPv6 यूज After compress a zero method, क्या यूज करता है? After compress a zero method, ये क्या है भाई? इसमें दो रूल फॉलो होते हैं। कितने रूल? दो रूल। If admin get a continuous a 000 this time, then it will use a double colon. क्या यूज कर सकते हो? क्लियर है? इन IPv6 ओनली वन टाइम यूज, विच वन? अ डबल कॉलन। कितनी बार यूज कर सकते हो? एक बार। चलो एक बार करके दिखाता हूं, फॉर एग्जाम्पल, फिर आप करना, ठीक है? 2001:0011:1111:2222:3333:000:000:555:666 हो गई गेट। देखना भाई, 2 3 4 5 6 7 और ये लो 8। इसको इतना बड़ा एड्रेस परवेज जी याद करके दिखाओ, याद करो भाई। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करने वाला हूं आफ्टर कंप्रेस, विच वन मैथड? अ जीरो मैथड। क्या यूज कर रहे हैं? जीरो मैथड। अब देखो क्या होगा, इसने बोला 2001:888:1111:2222:333:000। इसने देखा दो बार दो फील्ड में 00 आ रहा है, इसने बोला इतना बड़ा लिखना ही नहीं, :555:555। ये तो क्या हो गया? कंप्रेस हो गया, इजी टू यूज। अब देखो दोबारा, इसने एक और एड्रेस उठा लिया, इसने बोला ये तो बढ़िया है, ये कौन सी क्लास है परवेज जी? क्लास नहीं, टाइप से। क्लास तो है ही इसमें, क्लास ही तो बोल रहे हो, इसलिए
चलो पर कौन बताएगा अभी मैं बताता हूँ नाम भाई फिर बोलना आप लोग आफ्टर कंप्रेस जीरो मेथड रणित जी कहाँ गए रणित जी हाँ बताइए एड्रेस पूरा बोलिए आज एड्रेस हाँ अगर मैंने कोई एड्रेस लिख दिया भाग जाओगे IPv6 का जीरो मेथड के बाद का बताइए क्या होगा आफ्टर कंप्रेस जीरो मेथड नहीं ये नहीं है बताइए 3000 तो एज इट इज लेना पड़ेगा 1245 आएगा A124 भी आएगा 45 भी आ सकता है ये सुनो 4555 आ गया अब देखो कितने जीरो है चार फील्ड में जीरो है कितने कॉलन यूज कर लो दो इस दो कॉलन में उसको क्या लगेगा ये चार फील्ड क्या है फिक्स और चार फील्ड क्या है फ्री अब उनमें क्या लगाना है जीरो 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 क्लियर है चलो एक और लगाओ कोई डाउट तो नहीं आ रहा बताओ आप लोग तो इसको मेमोराइज तो पॉसिबल नहीं ना करना सर इसको मतलब याद रखना तो पॉसिबल नहीं है हाँ पॉसिबल नहीं है इसलिए इंजीनियर डेवलप ही नहीं करते इसको इतनी जल्दी नेटवर्क में साइन ही नहीं करते इतनी जल्दी बिल्कुल बिल्कुल आफ्टर कंप्रेस जीरो मेथड चलिए बात करते हैं इसकी कौन करके दिखाने वाला है 2001 1245 अ कॉलन कितने जीरो है चार भाई चारों वैल्यू जीरो तो मैं एक सिंगल लिख दूं कोई दिक्कत ही नहीं है चलो फिर क्या लिखा 215A कॉलन कॉलन बहुत शॉर्ट हो गए तो 124B अब तो याद हो जाएगा ये सर नो देखो चार जीरो है तो लिख सकते हो अब किसी ने बोला सर अच्छा ऐसा है तो फिर ये लो आंसर ये वाला करके दिखाओ इसमें लगाओ आफ्टर कंप्रेस जीरो मेथड परवेज जी को लगाने दो आज ये तैयारी है तो जंग पे भेजूंगा मैं आज आफ्टर कंप्रेस जीरो मेथड 2001 कॉलन 001 अब इसको 01 इसको 1 क्यों नहीं करा गया पूरी वैल्यू 001 नहीं है अभी अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1000 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 1 इसलिए ऑलवेज यूज दिस टाइम क्लियर नाउ AB12 डबल कॉलन 1245 कॉलन AB E1 कॉलन अब बहुत बढ़िया क्लियर है आ गया कोई डाउट है चल एक क्वेश्चन हम बनाते हैं अभी तक आप बना रहे थे आफ्टर कंप्रेस इस एड्रेस को डिकोड करो 2001 चलो देख लो 2001 कॉलन 410 कॉलन अब मैं रिस्क ही नहीं लूंगा कॉपी करूंगा इसको कॉलन पेस्ट कॉलन पेस्ट कॉलन पेस्ट कॉलन पेस्ट कॉलन पेस्ट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 बस इजी है ना ये सुनो चल मजा आ रहा है आना चाहिए आप क्या बनाना सिखा रहा हूं नेटवर्क एड्रेस क्या बनाना सीखते हैं ये टास्क है हमारे पास इन दो राउटर को क्या देनी है आईपी आईपी देने से पहले नेटवर्क बनाना सीख लो बहुत इजी है सबनेट मास्क में दो फील्ड आप दो ऑक्टेट फिक्स करने क्या यूज करते थे सपोज करो मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया और आपसे बोला दो ऑक्टेट फिक्स कर दो क्या यूज करते थे 255 255 बहुत बड़े अब देखो हाउ टू मेक IPv6 नेटवर्क यही सीखना है मैंने क्या लिखा 2010 कॉलन 12 12 क्लियर है भाई
कॉपी करा कॉलन 12 कॉलन 12 कितनी हो गई फिल्ड, कितने ऑक्टेट है परवेज जी? ऑक्टेट होती है फील्ड होती है? हाँ तो कितनी फील्ड हो गई? फोर फील्ड। तो अब मैंने क्या लिख दिया कॉलन कॉलन, इसका मतलब क्या? जी बिल्कुल एट टाइम जीरो दो फील्ड हो गई। अच्छा डीकंप्रेस करना है इसको, 2010 कॉलन 12 कॉलन 12 कॉलन 12 कॉलन, यही होना चाहिए ना भाई। तो आप 80 कहां से काउंट करके लाए? चलो अगर मैंने इसके बाद क्या लिख दिया स्लैश वैल्यू, कितनी फील्ड फिक्स करनी है? 4। एक फील्ड का साइज कितना था, कितने बिट में था? 16 बिट। 4 फील्ड का कितना हो जाएगा? ये लो, इसका मतलब कितनी फील्ड नेटवर्क के लिए हो गई? 64 हो गई नेटवर्क के लिए, और 64 किसके लिए हो गई? होस्ट के लिए। क्लियर है? यानी पहली आईपी क्या होगी? ठीक है चलो, नेटवर्क बनाया। ये क्या होती है इसकी? प्रीफिक्स वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? प्रीफिक्स वैल्यू। चलो दूसरा बनाओ, आर वन और आर टू के बीच में बनाना है। तो मैंने क्या लिखना है? 2020 कॉलन 20 20 कॉलन 20 20 कॉलन। मैं पूछूंगा फिर आप बताना। कितने आनी चाहिए स्लैश वैल्यू? टेबल्स पढ़ी है ना स्कूल में? बताओ वरुण जी, आप बताओ। तो ये हो गया आपका, दो ही तो रह गया ना। हाँ वरुण जी को बताने दो, छोड़ दो, दो ही तो है। हाँ कितने कितनी वैल्यू आएगी इसके ऊपर? 32। हाँ 16 फ्री तो है। हाँ जमा करके बता दो भाई, 16 जमा करके 32 कितनी फील्ड रिजर्व करनी है नेटवर्क के लिए? कितने नेटवर्क के एड्रेस लिखे यहाँ पे? एक ही तो है और 6 फील्ड रिजर्व कर दिए, तो कितनी वैल्यू है? 6 फील्ड ये वाली रिजर्व है नेटवर्क के लिए, और ये वाली जो दो दिख रही है ना कॉलन कॉलन, ये होस्ट के लिए। तो कितनी वैल्यू आएगी वरुण जी बताएंगे? 32 सर। 16 कितनी वैल्यू, कितने 4 8 फील्ड कितनी बची हुई है? फील्ड इसमें 6 7 2 ही तो फील्ड बची है। दो फील्ड बची है, 128 में से दो फील्ड गई, कितनी बची? 128 में से। हाँ कितनी बची? 6 22 10 32 112। आप बताओ भाई साहब। विद्युत बचेगी 64 में से 12 में 96। 16 6 96। 16 16 16 16 फिर ऐसे करते करते 96 क्या कर दी रिजर्व, और रिमेनिंग कितनी कर दी वरुण जी? 32। अब मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। दोबारा करते हैं, नेटवर्क बनाना तो सीख गए आप लग रहा है। रणित जी आ गए या अपनी? हाँ जी सर। चलो अब रणित जी बनाएंगे, उन्होंने बोला हाँ ये लो। एक नेटवर्क एड्रेस बताओ IPv6 का। अभी पूरा नहीं आया, ठीक है। 3000। अब मैंने कहा 15 15, इजी सिखा रहा हूँ भाई, 15 15 कॉलन 15 15। रनेश जी बताओ स्लैश वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कितनी फील्ड रिजर्व करिए? रनेश जी बताएंगे भाई। तो, कितनी आएगी? 1 2 3 और 4 16 multiply by 4 64, और रिमेनिंग कितनी बची? 64। तो ये नेटवर्क भी बनाना आ गया। अब देखो कॉपी करो इसको, लेके आओ मोहल्ले से, पेस्ट करो, IPv6 एड्रेस देना सीखो। इंटरफेस FA0/IP एड्रेस, ये किसके लिए था? 4 IPv4। और IPv6 एड्रेस ये किसके लिए? IPv4 IPv6। चलो नेटवर्क एड्रेस बताओ रनेश जी, R1 और R2 के बीच का नेटवर्क एड्रेस बताओ क्या डालना है? बताइए। हाँ जी सर। नेटवर्क बताइए, नेटवर्क नेटवर्क
अरे कुछ भी बता दो भाई, खरीदना ही नहीं अपने को। नहीं सर, 2012 कॉलर 12 अच्छा, आप कुछ भी बता सकते हो यार, ये थोड़े ना अब तो मैं खरीद के दिलवाऊंगा। मैं कुछ और जो मर्जी बता दो। मैंने 12 क्यों लिया परवेज जी? स्टार्ट ऐसे ले लिया। हाँ, R1 और R2 IP4 में सिखाई थी ना। चलो अब इसकी फर्स्ट आईपी कौन बताएंगे? रनेश जी। R1 की फर्स्ट आईपी ये 0000 00 00 फिर 001 हो गए भाई। R1 की आईपी, इतना बड़ा एड्रेस याद करके आना है। कॉपी कर लो और यहाँ पे क्या कर दो इसको, टू करना। हाँ मेरे को पता था आप बोलोगे, इसलिए मैं अब आपसे पूछूंगा दोबारा। लूपबैक बनाकर सिखाया था IPA4 में, कैसे बनता था? इंटरफेस लूपबैक 1 आईपी एड्रेस, फिर दोबारा वही आ जाओ IPv6 एड्रेस। अब मैं इसको आईपी दे रहा हूँ ये वाली। चलो लूपबैक के लिए स्लैश वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जैसे IPv4 में 32 होती थी, वैसे कितनी होनी चाहिए IPv6 में? IPv6 में 120। क्लियर है? चलो इतना क्लियर है आप लोगों को? 5 का ब्रेक लेते हैं, देन हम मूव करते हैं IPv6 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? IPv6 देना है भाई। एड्रेस हमने कॉपी कर लिया है, रिस्क नहीं लेंगे, यहीं पे लाके उसको क्या कर देंगे, पेस्ट। 2001:12:12 ठीक है, इसको कॉपी कर लो। देखो IPv6 देने के लिए कहीं ये मत समझना अपने आपको, स्टर्ट बन के उस पर आईपी मत डालने लगना, कॉपी पेस्ट वाला खेल करते हैं IPv6 पे। ठीक है, हमेशा याद रखना किसमें, IPv6 में। हाँ, कहीं एक भी डिजिट चेंज हुई तो ट्रेस नहीं कर पाओगे कहां से नेटवर्क कहां पहुंच गया है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये चीज आपको, कहीं आप सोचेंगे नहीं सर ने तो वैसे लिखा था मैं भी लिखूंगा, ऐसा प्रोसेस कभी मत करना। क्योंकि मेरे को याद है आईपीया और मेरे को पता भी कैसे साइन होती है, तो मैंने यहां से कॉपी करा इसको। ठीक है, यहाँ पे गया पेस्ट करा, फेंक दिया 0000001 स्लैश वैल्यू 64 कॉपी करा इसको, फिर इधर आ गए R2 पे देना है। R2 पे क्या लिख दिया, 2 दोनों हो गए। लूपबैक बनाना आता है? लूपबैक बनाने सिखाया था मैंने आप लोगों को कि क्या बोला था कि स्लैश 32 लेना है, IPv6 में भी वही काम है, स्लैश 128 लेना है। देखो 2001:1 अब 11 भी लिख सकते हो या सिंगल 1 भी लिख सकते हो, डोंट वरी। क्लियर है भाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो मैंने क्या करा, :1:1 कितने हो गए, 5, 6, 7 और ये क्या हो गया 120। कॉपी करा, ये क्या बनेगा, लूप बैक, और यहाँ पे क्या कर दिया उसको, पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करते हुए आ रहा हूं मैं उसको, 2:2:2:2 ठीक है भाई। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8 R1 को एक्सेस ले लेते हैं, बेसिक सही है। R1 को एक्सेस ले लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि आईपी को कॉपी करके ले आना हमेशा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस FA0/0 नो शटडाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आप दोबारा से वही गलती कर रहे हो, आईपी का मतलब IPv4, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो आप है दोनों इंटरफेस। चलो कॉन्फिगर इंटरफेस कमांड क्या हो गया IPv6 एड्रेस की, IPv6 एड्रेस। अब मैंने क्या करना है, कॉपी करना है, लेके आया। अब मेरे पास एक नोटपैड में, मैं बता देता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं आफ्टर कंप्रेस करने वाला हूँ, तो आप लोग हेल्प करेंगे कैसे करना है। मेरे को पता चला यहां से उठाना है इसको और यहाँ फेंक देना है। हो गया 00 लिख लिया भाई। देखो दोनों एड्रेस सपोर्टेबल है, दोनों। मैंने इसको उठाया, कॉपी करा,
आर वन पे गया, क्या कर दिया पेस्ट और एंटर, स्लैश वैल्यू देते हैं इसमें, बताया था ना सबनेट मास्क नहीं होता, एग्जिट। कमांड क्या थी वेरिफिकेशन, आ गया ऑटोमेटिक FE8। ये कैसे बन गया, लिंक लोकल है भाई, है ये किसी किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में आपको सपोर्टेड मिलेगा, इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है इनेबल, बाय डिफॉल्ट क्या होता है इनेबल। तो ये आईपी आ गई है, फिर रिस्क नहीं लेंगे, R2 पे चलेंगे, बेसिक्स आईपी एड्रेसिंग सिखा रहा हूं। ये कैसी है स्टैटिक, FA0/0 नो शटडाउन, IPv6 एड्रेस। तो क्या कर दूं लास्ट में, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये लो यार, ये डाल के देख लो आप लोग, आपको लग रहा है कि ये सर चलेगा नहीं, कॉपी और क्या कर दिया पेस्ट, क्या कह रहा है इनकम्प्लीट है। अब देखो क्या दिक्कत, FA0/0 IPv6 एड्रेस, काउंट करो सारी फील्ड सही आ रही है, 7 है ना, दैट मींस कॉलन भी लगा सकता हूँ, 00 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, ये सुन लो, देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कॉपी करो यहाँ पे 000 कॉलन, हो गया 8, कॉपी करा यहाँ गए, इंटरफेस FA0/0 IPv6 एड्रेस, पेस्ट करना है, एंटर करना है, वेरिफिकेशन कमांड शो IPv एज इट इज हुआ है। अब दोनों को पिंग करना है, पिंग की कमांड क्या बताई थी IPv6 IPv4 कॉपी करा इसका 2 को, यहां क्या कर दिया पेस्ट, ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, पिंग IPv6 क्लियर, वो मैं बताऊंगा अभी। अब देखो शो IPv6 राउट, राउटिंग टेबल में कितने रूट है भाई, एक ही नेटवर्क है ये वाला, /64 दिया था आपने, और वो किससे कनेक्टेड है FA0/0 से, उसकी आईपी क्या है ये, क्लियर है, ये क्या है फिर, ये लिंक लोकल के लिए चल रहा है जो लूप बैक है, क्लियर है, R2 पे भी आएगा। अब लूप बैक बनाना सीखते हैं भाई, मैंने कॉपी करा इसको, कुछ नहीं करना, नोटपैड में जाना है और इसको पेस्ट कर लो, यही था लूप बैक, कॉपी करो इंटरफेस लूप बैक 1 IPv6 एड्रेस पेस्ट, शो IPv6 इंटरफेस, तैयार है लूप बैक, क्लियर है, इजी है भाई, ये लिंक लोकल हर बार चलता है, और मैंने बताया था डायनेमिक नेबर डिस्कवरी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करता है IPv4, IPv6 नेबर डिस्कवरी यूज करता है। देखो शो IPv6 इंटरफेस FA0/0 क्या बोला है भाई, IPv6 के लिए क्या हो इनेबल, उसका लिंक लोकल IP ये रहा, बता दिया, और ये क्या लिख रहा है ND, मतलब ND का मतलब नेबर डिस्कवरी, क्या हो रखी है इनेबल, एक बार अटेम्प्ट करा है नेबर ढूंढने के लिए, मिल ही गया होगा R2, चलो R2 पे चलो लूप बैक बना दो, क्या लिखना है इंटरफेस लूप बैक 1 IPv6 एड्रेस, कॉपी करना है। अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि सर नहीं हो पाएगा, पेस्ट करा हो। अगर मैंने पूछा आपसे R1 से मैं पिंग करूं R2 के लूप बैक को, पिंग होगा, पिंग होगा नो, उसने देखो क्या लिख के दिया है, नो वैलिड रूट फॉर डेस्टिनेशन। ये तो थी आपकी IPv6 एड्रेसिंग, अब हम सीखने वाले हैं इसकी राउटिंग। IPv6 एड्रेस इजी है ना, नोटपैड यूज करना है, इतना याद रखना बस, स्टार्ट बनेंगे फंस जाएंगे और रूट नहीं मिल पाएगा, कहां से गया, स्टैटिक IPv6 राउटिंग। IPv4 पता है कैसे चलता था, IP राउट डेस्टिनेशन का नेटवर्क, डेस्टिनेशन का सबनेट मास्क और नेक्स्ट हो, यही था भाई, यही है और कुछ है ही नहीं, इसके आगे लिख दो IPv6। अब आप सबनेट मास्क तो देते नहीं थे, तो इसकी जगह क्या कर दो, हटाके से स्लैश वैल्यू,
डेस्टिनेशन का नेटवर्क स्लैश वैल्यू और नेक्स्ट हो आ गया। चल देख लेते हैं, आर वन पे चलना है, यहाँ पे भी एक प्रोसेस है, अभी दिखाऊंगा। IPv6 राउट, कौन सा नेटवर्क है भाई, मेरे पास पेस्ट करके ले आता हूं मैं, ये नेटवर्क में जाना है हमें तो। डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए कभी राउटिंग होती है नहीं, स्पेस दिया, नेक्स्ट हॉप का कौन है भाई, मैंने फिर कॉपी कर लिया, मैं रिस्क नहीं लूंगा, पेस्ट करा और सबनेट मास्क कर दिया उसका डिलीट। कमांड देख लो, जब भी कमांड बड़ी होगी तो क्या लग के आ जाता है, डॉलर, क्या लग जाएगा, डरना नहीं है उससे। ये वाला क्या है आपका, डेस्टिनेशन नेटवर्क प्लस नेटवर्क की डिटेल्स, और ये नेक्स्ट हो, एंटर, क्या बोल रहा है, इनकम्प्लीट कमांड। अब इसको कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लग रहा है, देख लेते क्या है, उसने बोला IPv6 राउट, और क्या बताओ, IPv6 की प्रीफिक्स किसके साथ, स्लैश वैल्यू के साथ, मैंने बोला ये लो कॉपी करना है, पेस्ट करा, क्या बताना है, क्या बताना है, यहाँ पे फॉरवर्डर लिखा रहा है कहीं पे, फॉरवर्डर लिखा आ रहा है कहीं पे, नेक्स्ट हॉप की कॉपी कर रहा हूं मैं इसको, इनकम्प्लीट आ रहा है, देख के बताओ क्या दिक्कत है। अभी आप लोगों ने मुझे बताया था और मैंने, हाँ याद रखना, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा, मैंने कॉलन कॉलन क्या कर दिया, अब तो ले लेगा, शो IPv6 राउट, एस का मतलब क्या होता है, स्टैटिक रूट, कौन सा रूट आ गया है, अब R2 से भी तो करनी है राउटिंग रिप्लाई देने के लिए, तो IPv6 राउट, फिर उठा लिया इसका कॉपी, और यहाँ क्या कर दिया, पेस्ट, फिर क्या करा, यहां से इसको कॉपी, और फिर क्या करा, पेस्ट, तो फिर मेरे को पता है यहाँ पे एक जीरो कम है, तो कॉलन कॉलन, मजा आ रहा है, शो IPv6 राउट, दोनों के पास आ गया, पिंग होगा परवेज जी, अब चलो लो जी आपकी तसल्ली करें, पिंग कॉपी कर लिया, और IPv6 हो गया पिंग, यस और नो, सेम है, अब आप 50 राउटर लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं, सेम है, स्टैटिक राउटिंग की कमांड समझ में आई, अब यहीं पर डिफॉल्ट पे सीख लो यार, इजी है, डिफॉल्ट राउटिंग क्या सीख रहे हो, अब देखो डिफॉल्ट राउटिंग IPv4 में कैसे होती थी, IP राउट 0000000000, ऐसे करते थे, नहीं, नेक्स्ट हॉप की IP देते थे भाई, यस और नो, अब एज इट इज IPv6 से, एज इट इज कोई डिफरेंस नहीं है, यहां पे जाओ पहले क्या लिखो, V6, इधर वाले जीरो को हटा दो क्योंकि सबनेट मास्क यूज नहीं करता, स्लैश वैल्यू होता है, अब सारी ऑक्टेट क्या है, जीरो, तो अगर मेरे IPv6 के सारी फील्ड जीरो है तो क्या लिख दूं, कॉलन कॉलन, आठ फील्ड है तो आठों को जीरो कर दिया, और स्लैश वैल्यू को क्या कर दो, हो गया डिफॉल्ट, इजी है परवेज जी, डर लग रहा है, शो रन पाइप सेक्शन IPv6 राउट, ये कैसी कमांड है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का सिर्फ वही सेक्शन दिखाना जहां पे स्टैटिक रूट दे रखा है, आ गया, उठा के लाओ उसको, नो कर दो, यही है, कॉपी पेस्ट, शो IPv6 राउट, शो रन पाइप सेक्शन IPv6 राउट, इसको पैकेट ट्रेसर पे यूज नहीं कर सकते आप, ओनली रियल डिवाइसेस और GNS3, नो करना है, कॉपी कर लो, हो गया, पिंग करके देखो, R1 से पिंग होगा परवेज जी या नहीं, नो वैलिड रूट, अब मैंने बोला भाई मैं हूं कस्टमर, सामने कौन है, ISP, IPv6 क्या देना सीख रहे हैं, डिफॉल्ट रूट, IPv6 राउट, कॉलन कॉलन जीरो, स्लैश वैल्यू जीरो, नेक्स्ट होप कौन है, R2, नेक्स्ट होप कौन है, R2,
तो इसको कॉपी कर लो और आर टू पे चल दो, टेस्ट कर लो यहाँ पे आर वन पे। मुझे पता है भाई एक जीरो कम है, तो मैंने क्या कर दिया, कॉलन कॉलन आर वन से बैठ के आर टू का नेक्स्ट स्टॉप शो आईपीवी सिक्स एडी वैल्यू भी सेम आ रही है। अब देखो आर टू से आर वन को रिटर्न रिप्लाई देना है तो कैसा होगा, स्टैटिक या डिफॉल्ट? बिल्कुल नहीं तो लूप बन जाएगा। आईपीवी सिक्स राउट कौन सा नेटवर्क होगा, किस नेटवर्क की आईडी लेके आएगा, लूप बैक या फिजिकल की? लूप बैक। कॉपी करा पेस्ट करा आ गया। नेक्स्ट स्टॉप कौन होगा, आर वन। नेक्स्ट स्टॉप कौन होगा, आर वन। रणेश जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। आईपीवी सिक्स राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क प्लस नेक्स्ट स्टॉप एंटर। पिंग करें तो पहले रूट तो दिखा दिया, डिफॉल्ट है यहाँ पे। आर टू पे भी देख लो स्टैटिक होगा, आ गया। आर वन से पिंग कर लो मोहल्ले में, मजा आ गया। स्टैटिक डिफॉल्ट खत्म है। डायनामिक भी बहुत इजी है यार, बहुत इजी, मजा आएगा आपको डायनामिक। देखते हैं कॉपी क्या सीखने आ रहे हो, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। पहला प्रोटोकॉल कौन सा होता है, रिप। उसको क्या बोला, रिप एनजी। ईआईजीआरपी उसको क्या बोला, एनजी। ओएसपीएफ कौन कौन से वर्जन, टू और कंट्रोल ए शिफ्ट ए, बड़ा हो गया। पहले हम क्या सीखेंगे, अ रिप प्रोटोकॉल, दैट मींस रिप एनजी, ठीक है। अब देखो रिप एनजी को इनेबल करना बहुत ईजी है, आपको आईपीवी फोर की राउटिंग इनेबल करनी है। पर बच्ची कैसे इनेबल करोगे, राउटर कमांड का, राउटर नहीं राउटर कमांड। इसमें भी वही प्रोसेस है, इसमें बस आपको क्या लिखना है, आईपीवी सिक्स राउटर। आईपीवी सिक्स टू इनेबल राउटिंग प्रोसेस फॉर आईपीवी सिक्स। बट एक इम्पॉर्टेंट बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। क्या लिखना है मेरे को, कमांड क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन में गया आईपीवी सिक्स राउटर रिप एनजी। अब इसमें थोड़े ना लिखना, वो तो बताया था ना। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या देनी है, प्रोसेस साइड क्या देनी है, पहले आईपीवी फोर में कभी दी है नहीं, लेकिन रिप आईपीवी सिक्स में विदाउट प्रोसेस आईडी चलता ही नहीं। क्लियर है, चेक करें। देखो कॉन्फ़िगरेशन आईपीवी सिक्स राउटर, कौन कौन से प्रोटोकॉल है, आ गया रिप लिखा, क्या बताना है उसका, प्रोसेस आईडी क्या बताना है, मैंने लिख दिया सीसीएन में, वर्ड भी हो सकता है और न्यूमेरिकल, मैंने कहा सीसीएन है। कमांड क्या बोल रहा है भाई, देखो आईपीवी फोर बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, आईपीवी सिक्स बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है। बाय डिफॉल्ट आईपीवी सिक्स राउटिंग क्या होती है, डिसेबल। इनेबल कैसे करते हो, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, आईपीवी सिक्स यूनिकास्ट हाइफन राउटिंग। दैट्स क्लियर, चले आर वन पे चले, आईपीवी सिक्स यूनिकास्ट आईपीवी सिक्स राउटर, कौन सा प्रोटोकॉल आ गया, प्रोसेस आईडी क्या देनी है, सीसीएन ने, सीसीएन दे दिया क्या, लो भाई नो कर दिया, ए हो गया एग्जिट। बस इतना ही करना है, इनेबल प्रोटोकॉल इनेबल करा। चेक कैसे करते थे, शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपीवी सिक्स प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल इनेबल है, कोई इंटरफेस है, जाओ इंटरफेस में, इंटरफेस एफ ए जीरो बाय, भाई मैं एक एक करके भी जा सकता हूं, और रेंज एफ ए जीरो बाय जीरो और लूप बैक वन। आईपीवी सिक्स रिप क्या प्रोसेस आईडी थी, सीसीएन ने। अब फिर दोबारा से यहाँ पे कॉपी कर लो इसको। अब देखो मैंने कॉपी करा तो स्पेस काउंट आ रहा है, देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना, एक बार एक सीसीआई की लैब दे रहे थे बंदे,
स्पेस काउंट की वजह से उसकी लैब नहीं निकल पाई। किसके वजह से? उसने टनल में पासवर्ड लगाया। क्या लगाया? पासवर्ड। मेरे साथ बैठता था, मेरे पास बैठा था, टनल में पासवर्ड लगाया, उसमें पासवर्ड था CCI@123, ऐसे करके समझ लो। अब जैसे लगाया उसने स्पेस देके एंटर कर दी, स्पेस काउंट हुआ, स्पेस काउंट हो जाता है। अब वो पूरे 8 घंटे वही ढूंढ रहा है कहां गलती है। बहुत सारे इंजीनियर स्टड बनने के लिए पासवर्ड डालते हैं ऐसे, एंटर, क्या कह रहा है? इनकम्प्लीट कमांड। इंटरफेस पे क्या कर दो? इनेबल, बस। शो IPv6 प्रोटोकॉल। कहानियों से समझ के याद रखना इन चीजों को। हो गए दोनों इंटरफेस पे, चल कमांड क्या थी याद हो गई। इसको क्या करना है? सिर्फ एग्जिट। क्या करना है इसको रनेश जी? एग्जिट। देन हाउ टू एडवर्टाइज, ये तो किसकी कमांड थी? इनेबल प्रोटोकॉल की। किसकी थी ये? तो इनेबल प्रोटोकॉल की। अब दूसरी कमांड हम क्या करने वाले? एडवर्टीजमेंट। तो कैसे जाना है? इंटरफेस, इंटरफेस का नंबर IPv6 रिप, फिर क्या बतानी है? प्रोसेस आईडी, और क्या लिखना है? इनेबल। बहुत बढ़िया, क्लियर है इतना? R2 पे चल दो यार, अब तो याद हो गई कमांड। ये जो मैं आपको बताता हूँ कहानी है, ये रियल है, याद रखना। कहीं आप ये सोचो कि कहानियां नहीं बता रहा हूं मैं, ये रियलिटी है, मैंने खुद देखा हुआ है। क्या लिखा? इंटरफेस रेंज FA 0/0 लूपबैक 1 IPv6 रिप, क्या लिखा? CCNA, और क्या कर दिया? ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल पर रूट एक्सचेंज हुए, शो IPv6 राउट। कौन से कोड से आ रहा है? 2 का रूट। राउटिंग कोड क्या है वरुण जी? ये कह रहा है डिफॉल्ट राउटिंग हो रखी है किसी की ने? मैंने गाल ले भाई, शो रन पाइप सेक्शन IPv6 राउट, हटा दूंगा मैं, मेरे को टेंशन क्या लेनी है। कौन सा रूट आया हुआ? 2 का, 2 का रूट आया हुआ है। किस कोड से आ रहा है? आर कोड से, आर कोड से, R2 पे चलो। शो IPv स्टैटिक हटा दूं यार। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, स्टैटिक रूट मोर प्रेफरेबल और डायनेमिक रूट मोर प्रेफरेबल? स्टैटिक, AD वैल्यू इज 1, याद रखना। हाँ इसको ध्यान में रखना हमेशा। इंटरफेस तो आए हुए हैं, शो रन, वरुण जी याद रखना है ना, प्रवेश जी भाई पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, और ये भी कर सकते हैं इंटरव्यू में आपको एक ऐसे ऐसा प्रोजेक्ट दे दे जिसमें वो स्पेस लगा के छोड़ दे पासवर्ड में, और कहे कि VTP की अपडेट भेजो, तो उसको कैसे देखते देख लो, ऐसे उठाना उसको तो पता चल गया आगे स्पेस है, याद रखना। नो शो IPv6 रूट आ गया, यस और नो? पिंग कर लो यार, कोई इशू तो नहीं है। ये क्या था? IPv6 भाई। टाइमर भी चलाना सीखना है क्या? ये लो, R1 पे जाओ, इंटरफेस FA 0/0 IPv6 रिप, क्या लिखना है? CCNA, क्या करने आ रहे हो? समरी करनी है, मेट्रिक करनी है? नहीं, मैं को नहीं करना। इंटरफेस FA 0/0 IP, हेलो, किसके लिए चला सकते हो? सिर्फ EIGRP। रिप के लिए क्या करना है? IPv6 राउटर रिप CCNA कमांड। देखो टाइमर लिखा गया, पहले कौन सा बताओ? अपडेट, मैंने बोला 15 सेकेंड, फिर कितना? रूट टाइम आउट पीरियड, दैट मींस इनवैलिड भाई। रूट का टाइम आउट टाइमर कितना होगा? मैंने बोला 20 सेकंड मान के चल लो भाई। क्या बोला? होल्ड डाउन कितना है? मैंने बोला भाई 30 सेकंड।
क्या बोल रहा है? गार्बेज यानी फ्लश टाइम, याद रखना ये सब, क्लियर है? मैक्सिमम होप भी बढ़ा सकते हो, यानी मैक्सिमम पाथ, क्या होप नहीं पाथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाथ। पॉइजन रिवर्स, रिडिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट डिस्टेंस, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं। अभी बेसिक सिखा रहा हूँ, दो राउटर के बीच में करके दिखाता हूँ मैं हमेशा, ऐसा नहीं चार राउटर लगा के सिखाऊंगा, ठीक है भाई, क्योंकि बेसिक्स है ये आपको आते हैं। IPv4 में अगर आपने राउटिंग अच्छे सीखे, IPv6 कुछ नहीं उसके आगे। अब क्या सीखने वाले हैं? इनेबल EIGRP प्रोटोकॉल इन कमांड, तो याद है IPv6 राउटर EIGRP, क्या बता दो? ASP, इट्स अ मोर प्रेफरेबल, अगेन मेंशन राउटर आईडी, और वो भी कौन सी वाली? IPv4 वाली, क्या बतानी पड़ती है? EIGRP और OSPF, IPv6 में विदाउट राउटर आईडी प्रोसेस ही नहीं करते, ठीक है भाई? बिल्कुल, प्रोटोकॉल हटाना तो आता है ना, नो IPv6 राउटर रिप CC, नो IPv6 राउटर रिप CCNA, हो गया। अब क्या इनेबल करना है? पिंग करके देख लो, कहीं ऐसा लग रहा हो पिंग हो रहा हो, नहीं है ना रूट? IPv6 राउटर EIGRP AS नंबर 1, एग्जिट करा आपने, कहा सर ने तो बताया था, छोड़ दो अब नहीं चला रहे हैं। रेंज FA 0/0 और क्या लिया? लो बैक 1, IPv6 EIGRP AS नंबर 1, इनेबल नहीं लिखना है आप। शो IPv6 प्रोटोकॉल, भाई प्रोटोकॉल तो इनेबल दिख रहा है, इंटरफेस है कोई मेंबर तो क्यों नहीं है? नो यूजेबल राउटर आईडी फाउंड, भाई क्या करना है? IPv6 राउटर EIGRP 1 राउटर आईडी, क्या लिखना है? EIGRP राउटर आईडी 1.1. IPv4 की चलती है, शो IPv6 प्रोटोकॉल, नाउ प्रोटोकॉल रनिंग, R2 पे भी चल जाओ। IPv6 राउटर EIGRP 1 EIGRP राउटर आईडी इंटरफेस रेंज FA 0/0 लो बैक 1 IPv6 EIGRP 1, हो गया। पिंग करके देखें, एडजेसेंसी का लॉग आ गया, पिंग कर लो या रूट देख लो पहले, या आ रहे रूट भी देखो, आ गया रूट, किस कोड से आ रहा है? बैठे ही हो पहले से, ये लो भाई पिंग भी हो गया, क्लियर है? आता है ना आप लोगों को, इसलिए परवेज जी की खुशी का ठिकाना नहीं है, है परवेज जी? परवेज जी कह रहे हैं बिरयानी खिलाएंगे, सब पार्टी देंगे बिरयानी की। इसीलिए सोया थे जब मर्जी। अरे प्रोटोकॉल का टाइमर कैसे चेंज करते हैं? बताया था अभी FA 0/0 IPv6 EIGRP, ये तो कमांड थी इनेबल की, हेलो और किसका? EIGRP AS नंबर, और कितना करना है? हेलो टाइमर का हेलो लिख दो, होल्ड करना है तो कैसे लिखो? होल्ड EIGRP 1 और होल्ड डाउन टाइमर, क्लियर है? सेम प्रोटोकॉल में जाके आप मैक्सिमम पाथ बता सकते हो, मेट्रिक वेट भी चेंज कर सकते हो IPv6 में, प्रोटोकॉल के इनसाइड जाके, किसके प्रोटोकॉल के इनसाइड जाके वेरिएंस चला सकते हो, टाइमर समरी एड्रेस शटडाउन, शटडाउन का मतलब प्रोटोकॉल को बंद कर दोगे, नेबर कमांड से यूनिकास्ट मेट्रिक बता सकते हो, मैक्सिमम पाथ कितने बेस्ट रूट होने चाहिए मेरे पास, और EIGRP कमांड क्या है? स्पेसिफिक चलती है ये, इसमें क्या क्या बता सकते हो? राउटर आईडी, क्लियर है? ये किसकी थी? अब कौन बचा हुआ है? उठा के लाओ उसको, ये लो, सिंपल है। देखो मैं पूरा प्रोटोकॉल नहीं सिखाऊंगा इसमें, ठीक है ना,
आप लोग ये मत सुनना कि पूरा प्रोटोकॉल सिखाऊंगा, हाँ बस ये बेसिक्स हैं और जो मैं सिखा रहा हूं। कमांड क्या थी? IPv6 राउटर, OSPF, फिर क्या देना है? प्रोसेस आईडी। और मैंने बताया था EIGRP और OSPF में क्या मेंशन करनी है? राउटर आईडी। एग्जिट। क्लियर है? एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं? इंटरफेस में जाना, नंबर लिखना, IPv6 OSPF प्रोसेस आईडी, एरिया नंबर बता के एंटर कर दे। पहले हटा दे प्रोटोकॉल R1 से, नो IPv6 राउटर EIGRP1, R2 पे चलो। हो गया IPv6 राउटर OSPF 1, क्या देना है? राउटर आईडी। देखो उठाई नहीं ना उसने, ले नहीं रहा राउटर आईडी। एरर मैंने उसमें भी दिखाया था, IPv4 में भी FA0/0 और लूपबैक 1, IPv6 OSPF 1 एरिया, ठीक है, R2 पे भी कर लो, इसमें भी AVR होता है। IPv6 राउटर OSPF 1 राउटर आईडी, FA0/0 लूपबैक 1 और आगे क्या लिख दिया? रेंज और ये FA, IPv6 OSPF 1 एरिया। हो गया, दो एरिया भी बना के कर सकते हो। शो IPv6 रूट आ रहा है क्या? क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा परवेज जी? क्यों नहीं आ रहा? सेवन स्टेज प्रोसेस में करने, क्लियर है? याद भी रखा करो। ये था आपका IPv6, ठीक है भाई, आ गया आसान। ये इसमें नेटवर्क को एडवर्टाइज करते थे, इसमें ये ध्यान रखो, आईपी ध्यान रखो। हो गया, इसके टाइमर भी चेंज कर सकते हो। कैसे? IPv6 और राउटर OSPF 1, ये लो टाइमर की कमांड आ रही होगी यहाँ पे। ये किसका बता रहा है? LSA की करना है, किसका करना है? बस ये LSA के टाइमर के लिए, रुको मैं बताता हूँ। यही कहीं हेलो और होल्ड भी आ रहा होगा, देखते रहना। आईपी फोन में कैसे बताया था आपको? IPv6 राउटर OSPF 1 शो IPv6 इंटरफेस FA0/0 सी कमांड बता दूंगा मैं, कोई नहीं। चलो ले रहे, कोई नहीं मैं कमांड बता दूंगा क्या होती है। याद नहीं आ रही है मेरे को कमांड इसकी। यार IPv6 राउटर OSPF 1 IP OSPF करके चलती है मेरे ख्याल से।
कौन कौन सी कमांड है, एरिया और नहीं नहीं यहाँ पे और होगी कमांड। ये टाइमर तो एल एस से के है, हमें कौन सा टाइमर चलना है, हेलो और उसकी कमांड होगी, याद नहीं आ रही मेरे को वैसे क्या है, मेरे को याद करनी पड़ेगी। ये देखो आ गया ना, कह रहा ना मेरे को एकदम याद नहीं आएगी। हेलो टाइम बता देना, फिर क्या बताना, होल्ड के लिए डेड होगा, आ गया ना। ये इंटरफेस बेस चलती है, और मैंने एमटी इग्नोर वाली कमांड भी बताई थी, और प्रायोरिटी भी बताई थी, बताई थी ना भाई। चल ये क्या था, कंप्लीट ओएसपीएफ प्लस ऑल राउटिंग प्रोटोकॉल आईपीवी6 कंप्लीट। क्लियर है रनी जी?